और अपन जैसलमेर से जाएंगे तनोट माता मंदिर। अगर आप लोग जैसलमेर आ रहे हैं तो आप लोग को ये मंदिर विजिट करना चाहिए। अंदर जो है एक मिसाइल और जो बॉम्ब्स वगैरह होते हैं वो पड़े हुए हैं जो कि फटे ही नहीं, तो ये बोलते हैं कि चमत्कार है तनोट माता जी का, जो बॉम्ब है वो फटे ही नहीं। स्वागत है आप सभी का बस इस क्लिक एक और नई वीडियो में। आज मैं आ चुका हूँ जैसलमेर और अपन जैसलमेर से जाएंगे तनोट माता मंदिर। और भाई साहब बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों ने बोला भी था कि भाई विजिट करो वहाँ पे, पाकिस्तान बॉर्डर के यहाँ पड़ता है ये। जैसलमेर से अपन जाएंगे लगभग अपने को 3-4 घंटे लगेंगे मेरे को लगता है। और पूरा बताऊँगा कैसे जाना है आपको, मंदिर भी दिखाऊंगा आपको भाई कैसा मंदिर है वहाँ पे और कैसा रास्ता रहता है। थोड़ी बात वही है, बसेस जो यहाँ पे नॉन ए सी मिलेगी, ए सी तो ऑफकोर्स मिलेगी नहीं। तो करते अपन जर्नी को स्टार्ट, लेकिन स्टार्ट करने से बता देता हूँ अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप मेरी वीडियो लाइक कर सकते हैं, ऐसी वीडियोस में लगा रहता हूँ चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। करते हैं अपन जर्नी को स्टार्ट। सबसे पहले टाइम हो रहा है अभी कुछ 9:25, 9:30 की बस है अपनी, ऐसी बस रहेगी टाटा की जो होती थी पहले बस वैसी वाली। आपको एक वॉकआउट दे देता हूँ बस का, हालांकि बस में तो कुछ आज दिखाने लायक रहेगा नहीं आपके लिए क्योंकि भाई नॉर्मल बस है, इस रूट पर नॉर्मल बस मिलेगी आपको। और देख लीजिए पीछे से सन गेट चलते हैं और आपको इंटीरियर भी दिखाता हूँ बस का, हालांकि इंटीरियर तो वही है कि 2x3 की कॉम्बिनेशन की बस बनी हुई है। और भाई साहब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है जैसलमेर में, अभी मानिए कि बार बार पसीना बोलता हूँ फिर भी पसीना आ रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे। और अभी जो है ये बस जो है ये मुझे रामगढ़ में छोड़ेगी, रामगढ़ के बाद फिर मुझे तनोट माता के लिए कुछ और व्हीकल या कुछ और बस लेनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट बस जो है तो सुबह 7:30 बजे मिलेगी आपको या फिर 2:30 बजे मिलेगी। तो अब यार टाइम अभी 9:30 हो रहा है तो मेरी सुबह सुबह निकल गई और 2:30 बजे तक अगर मैं वेट करूँगा तो फिर मेरे को जो हूँ पहुँचने में बहुत लेट हो जाऊँगा, तो इस वजह से मैं सोचा कि चेंज कर चले जाता हूँ। देख लीजिए ऐसी कुछ रहती है बस, 2x3 की होती है बस। और हाँ भाई सही है, आपको 2-3 घंटे के लिए तैयार इसमें चलेगा, यहाँ पे आपको इस रूट पर ए सी बस तो मिलेगी नहीं, बाकी ऊपर जो सामान रखने के लिए जगह है और ऐसी कुछ रहती है बस। तो जी मैं जो वीडियो में आपको इस मंदिर के बारे में बताऊँगा, तनोट माता मंदिर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है और क्या क्या हिस्ट्री थी इस मंदिर की। ये जो मंदिर है पाकिस्तान बॉर्डर के सिचुएटेड है और अगर आप लोग जैसलमेर आ रहे हैं तो आप लोग को ये मंदिर विजिट करना चाहिए। पूरी इन्फॉर्मेशन दूँगा कैसे विजिट करना है आपको, या फिर अगर आप चाहे तो आप लोग अपने पर्सनल व्हीकल से भी विजिट कर सकते हैं। और बाकी भाई साहब मैंने जो है अपना फ्रंट सीट पर बैग रख दिया, यहाँ पे जो ऐसे रिजर्वेशन होता है फ्रंट सीट पर बैग रख दो और आपका सीट जो है ब्लॉक हो गया। हालाँकि फ्रंट सीट जो है इंजन के जैसे बिल्कुल पास में है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने वाली है मुझे, मुझे अभी से पसीने आ रहे हैं और वहाँ पर जाने में तो और ज़्यादा पसीने आने वाले हैं। बाकी पर यही है 2-3 घंटे काम चलाएंगे यार गर्मी से, और कुछ कर नहीं सकते, ऑप्शन नहीं कुछ भी। और बाकी भाई सब टाइम हो चुका है और अपना जो बोर्डिंग पॉइंट रहता है, बोर्डिंग पॉइंट भी क्या हनुमान सर्कल के यहाँ पे रहता है, हनुमान सर्कल थोड़ा सा आगे निकलना रहेगा आप लोग को जो आपको ये बोर्डिंग पॉइंट मिल जाएगा। बाकी आपको सांगविया ट्रेवल्स का जो नंबर है वो दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में ताकि आप लोग वहाँ से बुक कर सकते हैं या बुक भी क्या मतलब इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बुक तो करने की जरूरत पड़ती है, टिकट आपको बस में मिल जाएगा। तो एक करते मैं जर्नी को स्टार्ट।
सब बस भी अच्छी है। ऐसे में यही कहूँगा कि भाई बहुत ज़्यादा पुरानी मेंटेन कर रखी अच्छी खासी, और भाई हीट वगैरह भी अभी तक तो आई नहीं इंजन की, आगे जाकर देखता हूँ अगर आई तो। और बाकी यही है स्टाफ वगैरह सही है बस में, ऐसे कोई मतलब दिक्कत नहीं वीडियो बनाने से, मुझे ये लगा था कि ऐसा ना हो कि बस में वीडियो बनाने से दिक्कत हो, बाकी देखते रहिए आप लोग।
तो जी आ चुके हैं अभी रामगढ़ में, और रामगढ़ से भाई साहब बस जो है फिर लेट थोड़ी सी, तो इस वजह से मैं टैक्सी कर रहा हूँ। मैं से देखो जाना मिल गया था मुझे, जब इसको तनाउट जाना है तो फिर हमने सोचा टैक्सी कर लेते हैं। जब मैंने बस का फेयर लगा था वो लगा 70 रुपये, अब यहाँ से टैक्सी का रहेगा वो लगेगा कुछ मेरा अप्रॉक्स 500 रुपये, 1000 रुपये लग रहा है वैसे, दो दिन तो 500 हो जाएगा वो, और बाकी इसमें मतलब आने जाने दोनों हो जाएगा। और अभी जो यहाँ से तनाउट माता मंदिर है वो है 55 किलोमीटर, तो ये सब सही टैक्सी का ऑप्शन सही रहता है। बाकी जो डिटेल्स है बसों की वो मैं आपको देता हूँ, देखते रहिए आप लोग। आ चुके हैं तनोट माता मंदिर में, और हम लोग टैक्सी करके आ गए थे। कोई मंदिर जो है बना हुआ है, मुझे ये नहीं पता है फिर शूट करना अलाउड है कि नहीं। जो मंदिर के बारे में बातें हैं वो मैं करूँगा आपसे अभी, पहले दर्शन कर लेता हूँ मैं, और फिर जो है जितनी भी जो डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन है वो बताऊँगा मैं आपको, देखते रहिए आप लोग। दर्शन, अब जो बात कर लेते हैं मंदिर के बारे में कि मंदिर के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन और क्या क्या हिस्ट्री है। बात करें मंदिर की तो मंदिर जो है पूरा मेंटेन कर रहे हैं आर्मी वाले, अंदर एक पंडित जी हैं और बाकी आर्मी वाले ही हैं जो कि प्रसाद वगैरह को मतलब चढ़ा रहे हैं और बाकी जो चीज़ें हैं मैनेज कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर देख लीजिए ऑडियो एंड विजुअल एंड वेपन डिस्प्ले ये सब है यहाँ पर BSF का, और वहाँ पर भी BSF के कुछ बने हुए हैं जब उनके व्हीकल वगैरह खड़े हुए हैं, तो ऐसा कुछ रहता है। बात करें हिस्ट्री की तो ये जो मंदिर है ये जहाँ पे वॉर होता है उसके बिल्कुल पास में है, तो जो मैंने पढ़ा है कि 1965 में इस मंदिर में अटैक हुआ था, पर ये जो लोकल लोग ये क्लेम करते हैं कि जो बॉम्ब्स जो फेंके गए थे वो फटे ही नहीं या फिर वो मिस हो गए, तो ऐसा रहता है। और जो अंदर मैंने आपको दिखाया भी था, अंदर जो है एक मिसाइल और जो बॉम्ब्स वगैरह होते हैं वो पड़े हुए हैं जो कि फटे ही नहीं, तो ये बोलते हैं कि चमत्कार है तनोट माता जी का कि वो जो बॉम्ब है वो फटे ही नहीं, तो ये भी रहता है। और बाकी ये चीज़ वापस जो है इंडो पाक वॉर जो है 1971 में भी हुई थी, तभी भी है जो टैंक्स को जो है मतलब वो ज़मीन में धस गए थे, तो इस वजह से एयरफोर्स जो है इंडिया की उन्होंने उनके ऊपर अटैक कर लेते, तो इस वजह से वो वापस तनोट माता मंदिर पर अटैक नहीं कर पाए थे। तो ऐसा कुछ है हिस्ट्री। अब ये सब जो है मैं इन्फॉर्मेशन स्टडी करके आया हूँ, हो सकता है इनमें से कुछ मतलब कंफर्म नहीं हो, पर ये सब जो है यहाँ के लोकल लोगों का कहना है। और बात करें जिस रास्ते से अपन आए थे भाई साहब, आपको जो है मैं जो हूँ रामगढ़ तक आया था, फिर रामगढ़ से तनोट आया हूँ मैं, अप्रोक्स वहाँ से 55 किलोमीटर पड़ता है। और अगर आप लोग
बाय बस आना चाहते हैं बिल्कुल, तो सुबह 7:30 बजे बस आती है जो डायरेक्ट तरूर आती है, और या फिर दिन में 2:30 बजे, उसके अलावा कोई बस नहीं है। RSRTC की बसेज जो जोधपुर से भी चलती है वो सुबह 10 बजे मिलेगी आपको, और एक बस आपको मिलेगी जालौर से, वो भी आती है यहाँ पे तनोट में डायरेक्ट, दो बस रहती है। बाकी जैसलमेर से भी आपको मिल जाएगी 3 और 4 बजे। और बात करें कि मैं कैसे आया, मैं जो रामगढ़ तक आया था बाय बस, और वहाँ से फिर जो है कैब करके आया, मेरे को साथ में एक और बंदा मिल गया था कि भाई मेरे को भी तनोट जाना, तो मैंने कहा दोनों कैब कर लेते हैं शेयरिंग में। तो ऐसा रहता है 70 रुपीज़ मेरे लगे जो कि लगे बस में, और फिर वहाँ से कैब करके आने में मेरे लगे 500 रुपीज़, टोटल 1000 रुपीज़ लगे, तो 500 रुपये हो गए पर पर्सन, है ना। वापस जाने में लगेंगे अभी 70 रुपीज़, तो हो जाएंगे टोटल मेरे कुल मिला के अगर देखा जाए तो 640 रुपीज़ टोटल, जो कि आना जाना पूरा पूरा मिला के कह रहा हूँ मैं, है ना। बात करें नेटवर्क की, तो नेटवर्क जो आपके रामगढ़ तक आएगा, रामगढ़ से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे आप लोग तो आएगा, ये बात मैं कर रहा हूँ एयरटेल की। अगर बात करें वोडाफोन की या VI की, तो वो जो है जैसलमेर से थोड़ा सा बाहर निकलते ख़त्म हो जाता है, मतलब खाली कॉलिंग होती है वो भी ठीक ठाक होती है, जो इंटरनेट है वो आपको चले जाएगा। और बात करें एयरटेल की, तो एयरटेल जो है वो आता है रामगढ़ तक, रामगढ़ से थोड़ा सा बाहर निकल के कॉलिंग और जो इंटरनेट दोनों चलेगा, फिर जो है यहाँ पे आके सब कुछ बंद हो जाएगा, ठीक है। और बाकी मंदिर मैंने आपको दिखा दिया जो भी रहता है, बिल्कुल यहाँ से जो है जो पाकिस्तान बॉर्डर है वो लगभग 15-20 किलोमीटर है कुछ, तो इतना रहता है। और बात करें अगर आप खुद की गाड़ी से आते हैं, तो रामगढ़ तक आपको जो है बीच में मतलब अच्छा खासा रोड भी मिल जाएगा, और रोड तो ऐसे पूरा पूरा सही है, बट जो रामगढ़ के बाद जो रोड है वो बुरे सुनसान है, तो ऐसा ना हो कि भाई आप आए डीजल वगैरह खत्म हो गया, पेट्रोल खत्म हो जाए, तो दिक्कत रहेगा उससे। इसलिए मैं तो सजेस्ट करूंगा कि रामगढ़ से पहले आप जो है अपनी गाड़ी पूरी रेडी कर लें, क्योंकि रामगढ़ के बाद रुकना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। जो अभी टैक्सी से हम आ रहे थे तो उसमें बीच में जो एक दो जन हाथ दिखा रहे थे, पर उसमें रुकने का नहीं रहता अपने, क्योंकि वो जो होता है अलग ही रहता है काम, मतलब एक टाइप से लुटेरे वगैरह ऐसे कुछ कह सकते हैं, मतलब जो लोकल मतलब पीपल है या कोई ऐसा कुछ जो एक टाइप से कुछ चीट करने तरफ से वो लोग आपको रोक रहे हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, तो उस वक्त में आप लोग को सतर्क रहना है। और बाकी बिल्कुल भी बीच में कोई डीजल या कुछ भी नहीं है कोई, और अगर आप आ रहे हैं तो पूरे सुनसान रोड है, कोई ट्रक्स वगैरह कुछ भी नहीं है। हाँ, बाकी आर्मी के जो ट्रक्स है वो घूमते रहते इधर उधर, पर वो भी जो है कम मिलेंगे, तो इस वजह से रोड जो है सुनसान है। और बात करें अगर कि भाई अब हम कैसे जाएंगे, अब हम वापस टैक्सी से जाएंगे हमारी, और फिर टैक्सी से फिर जो वहाँ से रामगढ़ से बस लेके मैं पहुँच जाऊँगा जैसलमेर वापस, ठीक है। तो मंदिर मैंने आपको दिखा दिया, ऐसा कुछ रहता है, मैंने अंदर से मंदिर आपको दिखा दिया है, और बाकी वहाँ पे देख लीजिए, मैंने बताया था आपको आर्मी के जो कुछ व्हीकल्स खड़े हैं वहाँ पे, ऐसा रहता है श्री मातेश्वरी तनोट राय मंदिर, ठीक है, ऐसा कुछ रहता है। तो जी यही है बस, मैं आ चुका हूँ वापस जैसलमेर, और भाई साहब एक्सपीरियंस सही था, हालांकि ये जो है चीपेस्ट वे नहीं था, चीपेस्ट वे जो है मैं आपको दिखाऊंगा वापस कभी आऊँगा तो बस से, बस जाती है जैसलमेर सुबह 7:30 बजे या फिर दिन में 2:30 बजे, तो आप उससे भी जा सकते हैं। और बाकी भाई साहब ये बोले कि मेरा क्या मतलब वो था जाने का, तो मेरा बताया था आपको। और बाकी भाई गर्मी जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, और फिर रामगढ़ में थोड़ी कम थी, और यहाँ पे तो नॉर्मल है, पर ये मैं सोच रहा था कि भाई साहब जो अपने वहाँ से उससे आगे जो रीजन है यानी 10-15 किलोमीटर आगे जो बॉर्डर का एरिया है वहाँ पे कितनी गर्मी होती होगी, तो भाई साहब अपने जवान हैं जो देश के जो फौजी लोग हैं भाई साहब, सोचिए उनकी कितनी हार्ड ज़िंदगी है, तो उनको एक सैल्यूट है भाई साहब। और काफ़ी भाई साहब मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा है कि अभी मानी सहनी नहीं हो रही थी गर्मी बिल्कुल भी, वहाँ से हम लोग को दर्शन करके और जल्दी से निकले बिल्कुल ऐसा रहा, तो हाँ भाई ये तो है। बाकी ये है कि भाई कोई भी क्वेरी रहती है आप लोग अगर विजिट करते हैं, बहुत सारे लोग विजिट करते हैं राजस्थान से, तो आप लोग अगर विजिट करते हैं तो मुझे आप कोई भी क्वेरी रहती है जो मैं नहीं बता पाया, कुछ भी अगर रहता है इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया हूँ, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द रिप्लाई करने का आपका। बाकी यही है, करते वीडियो को एंड, आप लोग कैसे लगे वीडियो बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में, लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट कीजिएगा क्या चला कैपेट हो सकता है, शेयर कीजिएगा ताकि आपके लिए मैं और अच्छी जर्नी जा सकूँ, और चैनल जुड़ जाइए सब्सक्राइब बटन दबाके, तो मिलते हैं आप लोग किसी और नए वीडियो में किसी और नए जर्नी में, तब तक के लिए गुड बाय।